हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर के मॉडल सेट नंबर 1। जैसे कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 का हिंदी इलेक्टिव के बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस किए, ठीक इसी प्रकार हम लोग इंग्लिश कोर में भी देखेंगे। क्योंकि झारखंड बोर्ड की तरफ से ये ऐलान आया है, अलाउंसमेंट हुआ है क्या कि आपको मॉडल सेट नंबर से मॉडल पेपर सबको 50% क्वेश्चन आपसे हर एक स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। यानी एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका 50% क्वेश्चन आपसे मॉडल पेपर से ही रहेंगे। इसलिए हम लोग मॉडल पेपर नंबर को बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से हम लोग हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को बारीकी से देखेंगे और आराम से देखेंगे। और याद रखिए, जो भी कैंडिडेट मेरे पेड कोर्स लिए हैं उन्हें पता होगा कि सर मैंने कैसे क्वेश्चन को हैंडल किए हैं, कैसे क्वेश्चन बताए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2 किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोग सभी क्वेश्चन को पेड कोर्स में अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं, बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1, यानी टर्म 1 के हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम लोग टर्म 1 के सेट नंबर 1 को डिस्कस करने के बाद 2, 3, 4 को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग टर्म 2 के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे फिर भी चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो इतना सारा शेयर करें ताकि हर एक झारखंडवासी को मिल जाए ये वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो झारखंड सरकार की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें से 50% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है वो आपको 1.5 घंटा यानी 1.5 घंटे की एग्जाम होंगे। ये सभी कैंडिडेट को पता है, बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। और उम्मीद करते हैं कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपको पेड कोर्स में करवाया हूँ, जो 99 रुपीज़ का मेरा पेड कोर्स चल रहा था, जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ माई डियर स्टूडेंट अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे तो चैलेंज करता हूं कि आपको आपका 35 मार्क्स कहीं नहीं होंगे। 5 मार्क्स का मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं क्योंकि जैक बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको पेसेज दिए रहेंगे। ये सभी स्टूडेंट को पता है कि 2 पेसेज मिलेंगे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं उसमें आपको 2 प्रकार के पेसेज मिलेंगे। यानी पहला पेसेज 1 से लेकर 6 तक और अगला पेसेज हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहला पैसेज है, पैसेज को बारीकी से आहिस्ता से आराम भाव से पढ़े। अगर पैसेज के अच्छे से पढ़ सकते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, तो आप यहां से 4 से 5 मार्क्स इजी से उठा सकते हैं। मैं 6 मार्क्स इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक लास्ट में एक आपसे सेंटोनिम्स एनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स एनोनिम्स पूछे जाते हैं, वो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि कुछ भी वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आपको हम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको 5 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म है। तो चलिए पैसेज को आप लोग बारीकी से पढ़ें। हम डायरेक्ट मैं आपको हिट करना सिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन की ओर। आंसर पहला का आंसर जो होगा, मैं काइंडली आपको फ्रेंड्स, मैं आपको कंटिन्यू आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा जब तक आपका पूरा सिलेबस पूरा एग्जाम का पैटर्न ख़त्म ना हो जाए। आप मेरे साथ जुड़े रहें, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी हम 35 का गारंटी लेते हैं इंग्लिश में, आपको मैं 40 में से 40 दिलाऊँगा। आपको हिस्ट्री में 40 में से 40 दिलाऊँगा, पॉलिटिकल साइंस में 40 में से 40 आपको क्वेश्चन का आंसर दिलाऊँगा माई डियर स्टूडेंट। आपको जियोग्राफी में आप मेरे साथ जुड़े तो रहे सही। तो चलिए मैं फटाफट इनका आंसर बता दूँ। पहला का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं आपका सिर्फ आंसर में बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग जरूर से जरूर मेरे पैसेज को पहले पढ़े, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर ए का बी का जो 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन अगर पढ़े तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है, इसी कारण से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, पैसेज को पढ़ लेंगे और आंसर लगाएंगे खुद से भी। और जो भी पैसेज आए हैं मॉडल नंबर 1 से लेकर मॉडल नंबर 5 तक, सभी पैसेज को बारीकी से देखेंगे, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और यहीं से एक पैसेज उठा के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए कौन से पैसेज आपके कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे या किसी को मालूम नहीं है, पर 5 पैसेज में से एक क्वेश्चन आप एक पैसेज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए 5ों सेट का पेपर अच्छी तरह से करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी डॉग। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 का आंसर हो जाएगा लैंग्वेज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी यानी डांसिंग। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी यानी वार्म।
चलिए आप देखते हैं, फिर से आपसे एक पैसेज देगी यानी 12 मार्क्स के आपसे पैसेज पूछे जाएंगे। और अगर आप अभी से ही तैयारी कर रहे हो ना माय डियर स्टूडेंट इंग्लिश का, तो याद रखिए आपको 12 में से 10 मार्क्स मैं दिलाऊंगा। आपको करना क्या है, मैं जो पैसेज बता रहा हूँ उस पर आप लोग फोकस करें। अगर इतना फोकस करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको 12 में से 10 मार्क्स मैं दिलाऊंगा आपको। पर मैं जितना कहने के लिए कह रहा हूँ आप उतना करें तो सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पैसेज को आप लोग बारीकी से पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन कर मूव करें। तो जैसे कि 7 का जो आंसर होना चाहिए, 7 नंबर का हो जाएगा ए, 8 नंबर का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 8 नंबर का जो आंसर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर का जो 9 आंसर होगा, 9 नंबर का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होना चाहिए डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होना चाहिए, 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, डेमोक्रेटिवली। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, चूज द सुइटेबल द टाइटल ऑफ पैसेज। यही है सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, यही स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इससे आप खास करके नोट करें, नोट डाउन करें और याद रखें। ऑप्शन नंबर 12 का जो ऑडियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से आपको ग्रामर पार्ट से पूछे जाएंगे, यहाँ से हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और ग्रामर पार्ट से आप याद रखें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ग्रामर पार्ट का मेरा बहुत ही अच्छी तरह से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 2 पार्ट में वीडियो को अपलोड किया हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको ग्रामर पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी अगर ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन डैश। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा सेंटेंस। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नोट्स शुड बी डैश। क्या है नोट्स, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दिस। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सिंबल आर फ्रेली यूज्ड इन। कहां हम लोग सिंबल का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट मेकिंग। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग फटाफट देखते हैं क्योंकि बहुत सारा पैटर्न हम लोग देखना है, एग्जाम में बहुत नजदीक है। नोटिस इज ए स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, यानी कहाँ इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट, हम लोग फॉर्मल लेटर जो लिखते हैं उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, तो वो आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी एड्रेस लिखना कंपलसरी है। लेटर टू द एडिटर राइटन फॉर, इसमें जो एडिटर को जो हम लोग लिखते हैं वो किसको लिखते हैं, न्यूज़पेपर को। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल रिटन राइटिंग इंटरेस्टिंग। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। विल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द डेस्क। क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बॉटम। देन अगला क्वेश्चन के चलते हैं, फ्रेंड्स याद रखिएगा इसे हम लोग टॉप बोलते हैं और याद रखिए अगर इधर से करें तो बॉटम। देन अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। जो एडिटर का राइटिंग लिखते हैं वह क्या मोटिव होना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस फॉर योर लेटर इन हिज पेपर। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विथ ए सुइटेबल कंक्लूजन। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हु सेट ऑन द बैक बेंच फॉर द लास्ट फ्रेंच क्लास। अब यहाँ से आपका क्लास का जो पेपर क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन है जो बुक है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और याद रखिए कि 18 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक से। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा द विलेज एल्डर। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, लास्ट डे में वह क्या कर रहे थे, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए न्यू नोट बुक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे रिपीट करेंगे, वेयर वाज साहिब इंप्लॉयड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, एट ए टी स्टाइल। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा बाय गोइंग टू गार्बेज। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, हु डॉगलस रिगार्ड कंक्लूजन इज ही। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए सी ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा
देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, हु आई डिड डोगलास हर इन इंस्ट्रक्टर, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट ए पेंच फॉर ऑफ, क्या होना चाहिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा हर फेमिलियर एच। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, द पोएट कॉम्प्रेड हर मदर टू, यानी मदर का कॉम्प्रेड क्या होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा लेट विंटर्स मून, सभी को पता है। व्हाट डू द फेस ऑफ चाइल्ड इन चिल्ड्रेन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्टेड, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक ऑफ इंथेमियस। देन अगला क्वेश्चन क्यों रिमूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग कंठस्थ करके याद रखिए, ये से क्वेश्चन आपको इसे रिपीट करेंगे क्योंकि झारखंड सरकार ने अनाउंस किया कि 50% जो क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर से ही पूछे जाएंगे, तो खास करके ये सब ध्यान रखें। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पब्लो नेरुदा वांट्स द एनीथर ह्यूमैनिटी टू डैश, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर कीप स्टाइल। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हु आर डिस्क्राइब्ड एन एनिमीज टू इच अदर ऑन द स्टोरी द टाइगर किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइगर किंग का जो हम लोग टाइगर किंग का जो कॉपी करते हैं उससे किससे किया गया था, बुल एंड एलिफेंट, बुल एंड टाइगर, एलिफेंट एंड टाइगर या नॉन ऑफ द अबव, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इन बुल एंड टाइगर, बुल एंड टाइगर, ये क्वेश्चन 100% आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपसे याद रखिए ये सब क्वेश्चन। हु वॉन्टेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टडिंग ओवर द टाइगर्स कर्केस, देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द धुराज। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इन द पोयम कीपिंग क्वेट द पोएट आस्क अस टू काउंट, तो कितना काउंट कर रहे थे कीपिंग क्वाइट के बारे में आपसे पूछे गए, तो इसका राइट जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 12, याद रखिएगा 12, याद रखिएगा 12। माय डियर स्टूडेंट आपको राइटर से चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग राइटर को अगर याद नहीं कर पाए तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपका राइटर का राइटर का ट्रिक बना के रखा हूँ मैं अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश कोर के प्लेलिस्ट को आप लोग टच करें, आपको वहाँ देखने को मिलेंगे किस तरह से मैं पोएट्री का हो या प्रैप्स का हो, किस तरह से मैं क्वेश्चन को कितना इजी भाषा में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ, आप मजे के साथ याद कर सकते हैं एग्जाम में, और इस तरह से याद करके आप ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा स्टूडेंट ऑन आइस। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, गोंडवान एक्साइटेड रॉकली अराउंड, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 650 मिलियन ईयर एगो। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, सेडो वांट टू अमेरिका लर्न, अमेरिका से लर्न क्या किया था, सर्जरी एंड मेडिसिन। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ऑल द सर्वेंट्स इन सेडोस हाउस होल्ड, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, डिड नॉट हेल्प द ट्रेटिंग द सोल्जर। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके 40 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए टर्न वन के मॉडल सेट नंबर वन, इसी तरह से लोग मॉडल सेट नंबर टू में भी डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।